हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन डेली लर्न। दोस्तों आज है 18 जुलाई, और 18 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आज कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों इस सेशन को आप लोग डेली देखिए, क्योंकि इस सेशन से दोस्तों आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्वेश्चन डेली लर्न को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जो कि कल आप लोग को दिया गया था। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द एलिटेस एक्सलेंस अवार्ड 2020। आप लोग को बताना था किस राज्य को एलिटीज एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आप लोग का दोस्तों छत्तीसगढ़, गोवा, पंजाब या फिर बिहार। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिटेस एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिटस टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब छत्तीसगढ़ को आपका एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग को बता दूं, छत्तीसगढ़ का दोस्तों कैपिटल हो गया आपका रायपुर। फॉर्मेशन हुआ था स्टेट का दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। पॉपुलेशन यहाँ पर आपका है 32.19 मिलियन। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दोस्तों 28 है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का हिंदी और छत्तीसगढ़ी चलता है। गवर्नर यहाँ के हो गए अनसुईया यूके। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हो गए भूपेश बघेल जी। और एमएलए का सीट दोस्तों 90 है। लोकसभा में आपका 11 सीट है और राज्यसभा में आपका 5 सीट है। तो चलिए दोस्तों अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली रुद्रेंद्र टंडन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। आप लोग बताना है हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आप लोग का ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। दोस्तों अभी हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन जी को अफगानिस्तान के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि रुद्रेंद्र जी जो कि 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में तैनात है, और वो ढाका के रीवा गांवली दास की जगह पर अपॉइंट हुए हैं। अभी अफगानिस्तान में नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो चलिए अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान का दोस्तों कैपिटल हो गया काबुल। पॉपुलेशन यहाँ पर 37.17 मिलियन है अकॉर्डिंग 2018 के। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर पेरिसियन और पास्तो चलता है। प्रेसिडेंट हो गए यहाँ के अशरफ घानी और प्राइम मिनिस्टर हो गए आपका अब्दुल्ला। करेंसी यहाँ पर अफगानी चलता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। आप लोग को बताना है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आप लोग का दोस्तों अजय चक्रवर्ती या फिर वेणु श्रीवासन या फिर सचिन अवस्थी या फिर जगदीश सेठ। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा सचिन अवस्थी। दोस्तों अभी हाल ही में सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव मतलब कि WHD के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों WHD वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, तो इसका मुख्यालय दोस्तों हो गया लंदन में, और इसके फाउंडर हो गए और CEO इसके हो गए अब्दुल वासित सयाद। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट अड्डा। ऑप्शन आप लोग का दोस्तों आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली या फिर ब्रेट ली। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विराट ली। दोस्तों अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अड्डा के आपके ब्रांड एम्बेसडर विराट ली जी को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों विराट ली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है दोस्तों, जिन्हें की तेज गेंदबाज के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट हैज इशूड विच गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एडुकेशन। आप लोग को बताना है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया है। ऑप्शन आप लोग का है दोस्तों डिजिटल एडुकेशन या फिर प्रज्ञात या फिर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रज्ञात। दोस्तों मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशन की घोषणा की है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री निशांक ने कहा है कि प्रज्ञात दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, जो लॉकडाउन के कारण अभी घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन मिश्रित या डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है। और दोस्तों आपके मानव संसाधन और विकास मंत्रालय जो है MHRD, उसके मिनिस्टर आपके हो गए रमेश पोखरियाल जी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। आप लोग को बताना है कि हिंदू प्रकाशन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन आप लोग का दोस्तों मलानी, या फिर मिस्टर एन राम, या फिर जी सुब्रमण्यम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा मलानी, मलानी प्रथा सारथी। दोस्तों मालिनी प्रथा सारथी ये एक भारतीय पत्रकार है दोस्तों, जो पहले द हिंदू के संपादक थी और वर्तमान में द हिंदू ग्रुप के पब्लिशिंग कंपनी THG पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑन व्हाट डेट इज बेस्टिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आप लोग को बताना है दोस्तों हर साल बेस्टिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन आप लोग का दोस्तों 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 जुलाई। दोस्तों ब्रेस्टिल डे अंग्रेजी बोलने वाले देशों में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को दिया जाने वाला सामान्य नाम है, जिसे प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों फ्रेंच में इसे औपचारिक रूप से फेटे राष्ट्र भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करेंटली माइल जेडिनक हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही हैज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। वर्तमान में माइल जेडिनक ने सेवानिवृत्त मतलब कि संन्यास की घोषणा की है, पर निम्नलिखित में से किन खेलों से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन आप लोग का दोस्तों क्रिकेट, या फिर फुटबॉल, या फिर टेबल टेनिस, या फिर बैडमिंटन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और क्रिस्टल पैलेस के मिडफील्डर माइल जेडनिक ने 35 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने देश के लिए दोस्तों 79 मैच खेले हैं, और दोस्तों 2018 के अंत में उन्होंने 3 विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि 2015 में अपनी कप्तानी में घरेलू जमीन पर एशियाई कप का खिताब दिलाने वाले माइकल जेडनिक ही थे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों अशोक लावेसा, या फिर ताकेशी, या फिर राजीव श्रीवास्तव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा अशोक लावासा। दोस्तों एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लावासा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अशोक लवासा जो कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं तथा पूर्व 2016 में भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब ADB के बारे में जान लेते हैं। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसका एस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका हो गया मनाली में। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऐप हैज बीन बैंड फॉर यूज बाई पैरामिलिट्री फोर्सेस। आप लोग को बताना है अर्धसैनिक बलों को किस ऐप का उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन आप लोग का है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर गूगल। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक। दोस्तों अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। दोस्तों अर्धसैनिक बलों में आप लोग CRPF, ITBP, BSF, CRSF और NCG भी आते हैं। साथ ही दोस्तों विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका है, जिसका कि आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, विच IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज डेवलपमेंट वर्ल्ड्स चीफेस्ट कोरोना किट। आप लोग को बताना है भारत के किस IIT इंस्टीट्यूट ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट को विकसित किया है। ऑप्शन आप लोग का दोस्तों IIT कानपुर, या फिर IIT दिल्ली, या फिर IIT खड़गपुर, या फिर IIT मद्रास।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए गुड बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।